एसिडिटी एक बहुत ही आम समस्या है जो हर दूसरे इंसान को परेशान करती है। तो आज हम बात करने वाले हैं एसिडिटी के बारे में। एसिडिटी क्यों होती है, इसके पीछे क्या-क्या रीजन होते हैं और एसिडिटी के ऊपर हम क्या घरेलू उपचार कर सकते हैं, और इसी के साथ हम ये भी जानेंगे कि एसिडिटी की समस्या से आप परमानेंट छुटकारा कैसे पा सकते हैं। तो आज का टॉपिक बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है और आप इस वीडियो को पूरी एंड तक देखिएगा। हेलो, मैं हूँ डॉक्टर मृणाल और इस चैनल पे हम बात करते हैं कॉमन हेल्थ प्रॉब्लम्स के बारे में। तो अगर आपने इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब बटन दबा कर सब्सक्राइब करिए और बेल बटन दबा कर नोटिफिकेशन भी ऑन कर दीजिए। हमारे स्टमक में नेचुरली एसिड प्रेजेंट होता है और ये एसिड हमारे खाने को पचाने में मदद करता है। तो जब ये एसिड ज़्यादा तैयार हो जाता है पेट में तो तब हम कहते हैं कि हमें एसिडिटी हो गई है। और जब ये एसिड ऊपर की तरफ आता है खाने की नली से, वो ऊपर की तरफ आने लगता है, तो हम कहते हैं कि हमें एसिड रिफ्लक्स हो रहा है। और इसी को मेडिकल लैंग्वेज में GERD मतलब गैस्ट्रो इसोफेजियल रिफ्लक्स सिंड्रोम ऐसा भी कहते हैं। तो जब एसिडिटी होती है तो हमारे सीने में जलन जैसे महसूस होता है या फिर पेट के ऊपरी हिस्से में भी जलन महसूस हो सकती है। ऐसा लगता है कि हमारे गले में से कुछ ऊपर आ रहा है, हमारे पेट में से कुछ ऊपर की तरफ आ रहा है, या फिर कुछ लोगों को गले में भी खराश या गले में भी दर्द हो सकता है। तो एसिडिटी होने के क्या कारण हो सकते हैं? एसिडिटी होने का सबसे फर्स्ट कारण है कि ज़्यादा खाना खा लेना, या फिर ज़्यादा स्पाइसी, ज़्यादा मसालेदार सब्जियाँ, ज़्यादा मसालेदार खाना खाना, इसकी वजह से एसिडिटी हो सकती है। अल्कोहल की वजह से बहुत लोगों को एसिडिटी होती है। सुबह सुबह अगर खाली पेट आपने चाय पी ली तो भी आपको एसिडिटी हो सकती है, या फिर अगर आप खाने के बाद तुरंत लेट जाते हैं या तुरंत सो जाते हैं तो आपको उस एसिडिटी के साथ ही एसिड रिफ्लक्स भी हो सकता है। तो चलिए अब हम जानेंगे एसिडिटी के ट्रीटमेंट के बारे में। तो एसिडिटी के ट्रीटमेंट को हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट पार्ट लाइफस्टाइल चेंजेस, सेकेंड पार्ट होगा घरेलू उपाय एसिडिटी पर क्या हो सकते हैं, एंड थर्ड पार्ट होगा मेडिसिंस क्या क्या अवेलेबल है। तो फर्स्ट थिंग लाइफस्टाइल चेंजेस, अगर आप लाइफस्टाइल चेंजेस करेंगे तो आपकी एसिडिटी परमानेंटली ठीक हो सकती है, क्योंकि लाइफस्टाइल से ही बहुत सारी बीमारियां जुड़ी होती है और लाइफस्टाइल से ही एसिडिटी भी जुड़ी हुई होती है। तो सबसे पहले आपको करना है चबा चबा कर धीरे खाना खाना है। तो इससे क्या होता है, इससे फर्स्ट थिंग तो ये होती है कि जब आप स्लोली चबा के खाना खाते हैं तो आपके मुंह में जो सलाइवा होता है वो आपके खाने में अच्छे से मिक्स होता है और आपका खाना, आपके पेट को आपका खाना पचाने में बहुत इजी पड़ता है। तो ये पेट पे भारी नहीं पड़ता, तो पेट पे ज़्यादा एसिड तैयार नहीं होता। सेकेंड थिंग, आपको थोड़े थोड़े पोर्शन में खाना खाना है। मतलब अगर आप 2 ही बार खाना खाते हैं लेकिन पेट भर के खाना खाते हैं तो आप उस खाने को थोड़े थोड़े छोटे छोटे पोर्शन में डिवाइड करिए और 4 बार खाइए, उस पर थोड़ा थोड़ा गैप रखिए। तो ये क्या होगा, ये थोड़ा थोड़ा खाना आपके पेट पे भारी नहीं होगा और आपके आपके स्टमक को ये खाना पाचन करने में ईजी पड़ेगा और आपको एसिडिटी नहीं होगी। उसके बाद आपको क्या करना होगा, आपको अपने डेली रूटीन में एक्सरसाइज इंक्लूड करनी चाहिए। अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते या नहीं कर सकते तो एवरी डे वॉक तो करना ही चाहिए, और अगर मोटापा है तो मोटापा भी कम करना चाहिए। उसके बाद स्मोकिंग एंड अल्कोहल को बंद करना चाहिए पूरी तरह, और उसी के साथ तली हुई चीज़ें, हेवी फैट वाली चीज़ें, उनको खाने से कम करना चाहिए। अगर आप खाने के तुरंत बाद हेवी एक्सरसाइज करते हैं तो आपको एसिडिटी होगी या आपको एसिड रिफ्लक्स भी होगा, या अगर आप खाने के तुरंत बाद सो जाते हैं या लेट जाते हैं तो भी आपको एसिड रिफ्लक्स होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। तो इसीलिए खाने के तुरंत बाद मत लेटिए, खाने के और एक्सरसाइज के बीच में कम से कम 1 से 1.5 घंटा का गैप होना चाहिए। उसी के साथ ही रात का खाना सोने के 2 से 3 घंटे पहले खा लेना चाहिए, ताकि जब तक हम सोने को जाए तब तक हमारे खाने का पाचन हो चुका होता है। तो ये तो हो गए लाइफस्टाइल चेंजेस। लेकिन अगर आपको एसिडिटी हो गई है तो इंस्टेंट उसके रिलीफ के लिए आप क्या ऐसी घरेलू चीज़ें यूज़ कर सकते हैं? तो सबसे फर्स्ट आता है केला। केला खाने से एसिडिटी ठीक होने में मदद होती है।
उसके बाद आता है ठंडा दूध। ठंडा दूध अगर आप पिएंगे तो आपकी एसिडिटी इंस्टेंटली ठीक हो जाती है। उसके बाद नींबू पानी, नींबू पानी भी एसिडिटी में बहुत असरदार है, एसिडिटी को कम करता है और एसिडिटी के अदर सिम्टम्स को भी ये कम करता है। उसी के साथ जो बटर मिल्क मतलब छाछ होता है वो भी एसिडिटी को दूर करने में मदद करता है, और आंवले का पाउडर भी आपको एसिडिटी कम करने में हेल्प करता है। तो अब हम जानेंगे कि एसिडिटी में कौन सी दवाइयाँ यूजफुल होती है, कौन सी मेडिसिन आप ले सकते हैं। तो इसमें आती है सबसे फर्स्ट नंबर पर एंटासिड्स। एंटासिड्स जो ओवर द काउंटर मेडिसिन आपको मिल जाती है, जैसे कि ईनो या फिर टर्म्स एंड अदर गोलियाँ, और उसमें क्या होता है, ये गोलियाँ इंस्टेंटली एक्ट करती है। और ये क्या करती है, जो आपके पेट में एक्स्ट्रा एसिड तैयार हुआ है उसे ये जाके न्यूट्रलाइज कर देती है और आपको एसिडिटी से तुरंत छुटकारा मिल जाता है। लेकिन ये दवाइयाँ न्यू एसिड तैयार होने से नहीं रोकती, तो ये सिर्फ सिम्टोमेटिक रिलीफ के लिए इजीली यूज की जा सकती है। उसके बाद आता है H2 रिसेप्टर ब्लॉकर्स, जैसे कि रेनिटिडीन, फेमोटिडीन। तो ये मेडिसिन डायरेक्टली आपके स्टमक के इनर लाइनिंग्स पर एक्ट करती है और एक्स्ट्रा एसिड प्रोडक्शन को कम करती है। और सबसे लास्ट में सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ की जाने वाली दवाइयाँ है वो है प्रोटॉन पंप ब्लॉकर्स, जैसे कि ओमेप्राजॉल, एंटोप्राजॉल। ये प्रोटॉन पंप ब्लॉकर भी क्या करते हैं, ये भी डायरेक्टली स्टमक के इनर लाइनिंग्स पे एक्ट करते हैं। इनका एक्शन इंस्टेंट होता है, मतलब जल्दी ही आपको रिलीफ मिल जाता है, 30 मिनट्स के अंदर आपको एसिडिटी से छुटकारा मिलता है। और ये दवाइयाँ बहुत ही इफ़ेक्टिव है, सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, सबसे ज़्यादा कॉमन है और सबसे ज़्यादा पोटेंट भी है। तो आपके सिम्टम्स कितने सीवियर है उसके अनुसार आपको ये दवाइयाँ दी जाती है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी कि कोई भी दवाई लेने से पहले आपको आपके डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेनी चाहिए, और कोई भी दवाई ज़्यादा लंबे समय तक लेना भी अच्छी बात नहीं है। इसीलिए डाइट कंट्रोल एंड लाइफस्टाइल चेंजेस ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है एसिडिटी के ट्रीटमेंट के लिए। आपके सीने में जो दर्द हो रहा है वो एसिडिटी की वजह से है या फिर आपको हार्ट अटैक आया है, ये कैसे समझ सकते हैं, ये जानने के लिए ये वीडियो ज़रूर देखिए।